आज मैं सिखा रही हूँ आइसक्रीम का बेस। मैंने लिया है आधा लीटर फुल फैट मिल्क। आइसक्रीम बनाने के लिए फुल फैट मिल्क लेंगे तो उससे आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनती है। इसमें से पहले मैं थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ। अभी ये जो बचा हुआ दूध है इसमें मैं 10 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ और इसे मैं अभी गैस के ऊपर, स्लो गैस के ऊपर, शक्कर जब तक पिघलेगी तब तक हम इसको गर्म करेंगे। आप गैस का आंच एकदम धीमा रखिए, ऐसे बीच बीच में इसको स्टर करते रहिए। अब हम इसका बाकी का मिश्रण बना लेते हैं। ये जो हमने पहले दूध निकाला था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये GMS पाउडर है। ये GMS पाउडर से हमारा आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगा। GMS पाउडर बहुत सी बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, केक्स है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, क्रीम है, ईस्ट है, इन सब में ये GMS पाउडर यूज़ होता है, जिसे इमल्सिफायर भी कहा जाता है। ये मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। ये CMS पाउडर है, जिसे एल्जिनेट भी कहा जाता है। ये आइसक्रीम को पिघलने से रोकता है और ये भी एक स्टेबिलाइजर का काम करता है। ये मैंने लिया है 1/8 टीस्पून। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी गांठे नहीं है और ना ही कुछ क्रम्स हैं। अभी हम शक्कर का मिश्रण चेक कर लेते हैं। हमारा शक्कर अच्छे से घुल गया है। आंच को बंद कर दीजिए। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब आपका शक्कर घुल जाए तभी हम ये मिश्रण डालेंगे। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि हमारा बेस बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता है। आप ये बेस को अच्छे से चेक कर लीजिए। इस बेस से बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनती है। मिश्रण को मिक्स करने के बाद में हम आँच को शुरू करेंगे और 1 या 2 उबाल आने तक इसको गर्म करेंगे। इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिए, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर तुरंत नीचे चिपक जाता है, इसके लिए आप इसको हिलाते रहिए। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैंने 10 टेबलस्पून शुगर डाला है, बहुत मीठा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आइसक्रीम आधा लीटर में से करीबन 2.5 लीटर बनेगा, जो बहुत ही फूलता है, जिसकी वजह से मिठास एकदम बैलेंस हो जाएगी। आप देख रहे हैं एक उबाल आ गया है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। अगर आपने इसको ज़्यादा उबाल दिया तो बेस रबरी हो जाएगा। प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए और अच्छा आइसक्रीम, बिल्कुल बहुत बढ़िया आइसक्रीम घर पर बनाइए। आप ये आइसक्रीम घर पे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। जब ये बेस ठंडा हो जाएगा तभी और गाढ़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से इस बेस को देखिए। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसका कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बेस बनाना है। अभी मैं इसको कंटेनर में भर रही हूँ। कंटेनर में भरने के बाद में मैं इसके ढक्कन लगा के इसको हम फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए सेट करेंगे। हमारा बेस बनके तैयार है। 8 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गया है। इसको हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कभी भी इस बेस को आपको रूम टेम्परेचर पर ला के लिक्विड नहीं करना है, इसको ऐसे ही कड़क ही यूज़ करेंगे, तभी हमारा आइसक्रीम आधा लीटर में से करीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम हम बना पाएंगे। दोस्तों, हमने जिस प्रकार से ये बेस रेडी किया है, इसमें जो इमल्सिफायर यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से आधा लीटर दूध में से हम करीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने एक बर्तन लिया है, ये करीबन मेरा 3 लीटर का दूध का बर्तन है। हम इसमें ये बेस डालेंगे। मैंने अपना सारा बेस बर्तन में ले लिया है। कभी भी आप बेस को बीट करते हैं तभी इस प्रकार का इलेक्ट्रिक बीटर लीजिए, जिससे आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आइसक्रीम बहुत ही अच्छा फूल गया है। करीबन 3 मिनट के बाद आप बीटर को 1 मिनट के लिए बंद कीजिए। जब आइसक्रीम आधा लीटर में से करीबन 1.5 लीटर बन जाए, या तो फिर आपने जो आइसक्रीम का बेस लिया है वो 3 गुना हो जाए, तभी हम इसमें आधा कप नॉन डेरी क्रीम
या घर की मलाई भी डाल सकते हैं। ये क्रीम हम केक, आइसिंग, डेजर्ट सबके लिए यूज करते हैं। मैंने वही क्रीम लिया है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप आधा कप घर की मलाई भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये क्रीम थोड़ा सा बर्फ है और थोड़ा सा लिक्विड है। लिक्विड क्रीम नहीं लेना है, ऐसे थोड़ा सा जिसमें बर्फ का पार्ट हो वैसा क्रीम लेना है, जिससे आइसक्रीम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये होने के बाद में अभी हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। दो मिनट के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी 1 teaspoon वेनिला एक्सट्रैक्ट। अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट आपके पास नहीं है तो आप 1 tablespoon वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है। और ये आइसक्रीम करीबन आधा लीटर दूध में से ये करीबन 2.5 liter आइसक्रीम बना है। वेनिला आइसक्रीम बनके तैयार है। अभी मैं इसको कुछ स्टोर करूँगी। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है और जो बहुत ही क्रीमी है। ये जितना क्रीमी है उतना ही स्वाद में लाजवाब है। अभी हम इसको स्टोर करेंगे। आप इसको कोई भी कंटेनर में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका क्रीमीनेस, ये बिल्कुल बाहर मिलता हुआ वेनिला आइसक्रीम भी जैसा ही बना है। और जो हमने सिर्फ आधा लीटर दूध लेके बनाया है ढक्कन को बंद करके, इसे हम फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए स्टोर करेंगे और हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगा। मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, मैं उसे माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पे 30 सेकंड के लिए गर्म कर रही हूँ। माइक्रोवेव में से बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं चॉकलेट का एक अच्छे से मेल्ट हो गई है। प्लास्टिक का एक ग्लास है, इसमें मैं चॉकलेट अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। चॉकलेट का पहला लेयर अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसमें दूसरा लेयर लगाएंगे। दोस्तों, चॉकलेट का गाढ़ा लेयर अप्लाई कीजिए। चॉकलेट के कप का ऊपर का हिस्सा अनइवन स्प्रेड कीजिए, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। दोस्तों, हमारा चॉकलेट का कप अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम धीरे से इसे अनमोल्ड करेंगे। थोड़ी सी सावधानी पूर्वक चॉकलेट के कप को निकालिए। दोस्तों, हमारा चॉकलेट का कप बहुत ही आसानी से प्लास्टिक से निकल आता है और ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। कप का ऊपर का हिस्सा जो अनिवन हमने बनाया था वो बहुत ही सुंदर दिखता है। हमारा चॉकलेट का कप बनके तैयार है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। मैं हमेशा अपना आइसक्रीम ऐसे ही अलग अलग तरीके से सर्व करती हूँ, जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में बहुत मज़ेदार है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम आइसक्रीम को पैक किस में करने वाले हैं। अगर आपको डिलीवरी करना है तो ये है आइस बॉक्स। ये ऐसे इस प्रकार से थर्मोकॉल का बॉक्स आता है, इसके साथ आपको एक लिड भी आएगा। देखिए, ये इस प्रकार से ये ऐसा होता है। ये देखो, ये बॉक्स, इसमें आप ढेर सारा ड्राई आइस भर के अपनी आइसक्रीम को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर कर सकते हैं। आपकी आइसक्रीम ढेर सारे ड्राई आइस में तकरीबन 1 घंटे तक बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। अगर आप ज्यादा ड्राई आइस का इस्तेमाल करें तो 2 hours तक आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर डिलीवर करना है तो किस प्रकार से असेंबल करके आप डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये देखिए, ये इस प्रकार से स्टील का स्टैंड है, आपको इसके अंदर डालना है। फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राई आइस को स्टील के स्टैंड के साथ डालेंगे तो शायद ड्राई आइस से बहुत ही आवाज होगा, बिकॉज जब भी स्टील और ड्राई आइस साथ में कॉन्टेक्ट में आता है तो बहुत ज्यादा आवाज आता है। पर बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये नेचुरल है। या तो फिर आप कोई भी कांच की कटोरी का भी उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसे भी स्टैंड बना सकते हैं और उस पे भी प्लेस कर सकते हैं। और अगर वो नहीं तो सबसे इकोनॉमिकल और बेस्ट ऑप्शन है प्लास्टिक का बोर्ड या प्लास्टिक का स्टैंड। ये स्टैंड प्लेस करने के बाद आप ढेर सारा ड्राई आइस इस पे प्लेस कर सकते हैं।
और ये जो प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं जिसपे हम एक्रिलिक का बोर्ड है, ये एक्चुअली प्लास्टिक भी नहीं है, एक्रिलिक के बोर्ड पे हम जब भी अपना आइसक्रीम प्लेस करते हैं, ढेर सारे ड्राई आइस और स्टैंड के ऊपर हमें हल्के हाथ से इसे प्लेस कर देना है। और नेचुरल है कि जब भी बहुत सारा ड्राई आइस इसके ऊपर आ जाएगा तो ये स्टैंड भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो डालना आपका आइसक्रीम डालना थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक और एक तरीका है जो मैं आपको सिखा देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल इस बॉक्स के अंदर ढेर सारा ड्राई आइस प्लेस करें, बहुत सारा ड्राई आइस प्लेस करें, थोड़ा ऊपर तक ही प्लेस करिएगा, और ये जो है बोर्ड इसके ऊपर अपनी आइसक्रीम प्लेस करके वो बोर्ड को आइस के ऊपर प्लेस कर दीजिएगा, तो बर्फ जो ड्राई आइस की ठंडी है उसके वजह से आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, जब भी आप डिलीवर कर रहे हैं तो आइसक्रीम को आपको हमेशा रैप करके डिलीवर करना है, ओपन डिलीवर नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे इकोनॉमिकल तरीके मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे अगर आपके कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है तो और भी तरीके हैं जो मैं आपको वर्बली समझा दूंगी। सबसे इकोनॉमिकल तरीका है आइसक्रीम को या तो बटर पेपर में रैप करना या तो फिर क्लिंग फॉइल में रैप करना। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शंस यूज करके आइसक्रीम को रैप करके फिर इस प्रकार से एक्रिलिक के बोर्ड में प्लेस करके फिर उसे ड्राई आइस के ऊपर रख सकते हैं। पर यदि आपके कस्टमर ज्यादा पे करने के लिए रेडी है और अगर आप उसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में रैप करने के बाद आइसक्रीम को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का बॉक्स जिस तरीके से केक का बॉक्स मिलता है हमें बाजार में, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग शेप्स में, जैसे रेक्टेंगल शेप में, थोड़ी लंबी हाइट में, वैसे भी बॉक्सेस बाजार में आपको मिल जाएंगे। आप आइसक्रीम को रैप करने के बाद उसमें उसे प्लेस कर सकते हैं, वो बॉक्स को इस पर प्लेस करके फिर आप ये इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ड्राई आइस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बातें। जब भी आप ड्राई आइस के साथ काम कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ उसको टच ना हो, बिकॉज जब भी आप ड्राई आइस को इसके अंदर डालेंगे, आप जब भी आइसक्रीम डालने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके फिंगर्स इस पे टच हो जाए, पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इससे ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी अपना हाथ टच नहीं करना ड्राई आइस को, या तो आप कोई कपड़े की सहायता से वो आइसक्रीम के बोर्ड को प्लेस करें, या तो फिर बहुत ही सावधानी से ग्लव्स पहन के, रबर के ग्लव्स पहन के आप काम करें। बहुत ही सावधानी से करना है दोस्तों, क्योंकि ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, जिसे अगर मैं सीधे लैंग्वेज में बताऊं तो आपको मतलब जल सकता है आपका हाथ, आपको इंजरी हो सकती है। तो कभी भी ड्राई आइस को अपने खुद के हाथों से हाथ लगा के आपको अंदर नहीं प्लेस करना, या तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्लेस करना है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, आप ड्राई आइस को ये चिमटे की सहायता से उठा सकते हैं इस प्रकार से। ये रोटी सेकने के लिए हम जो चिमटा यूज करते हैं ये बिल्कुल वही है, इंग्लिश में इसे प्लकर भी कहते हैं, बट ये चिमटा जो होता है आप उसकी सहायता से ड्राई आइस का पीस उठाकर प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी से करना है फ्रेंड्स। अगर ऐसे आपके पास कोई बोल है तो बड़े बोल के सहायता से आप बोल के अंदर सारा ड्राई आइस के टुकड़े डाल सकते हैं और उसे डायरेक्टली ऐसे पोर कर सकते हैं, हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ड्राई आइस यूज करके काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को प्लीज दूर रखिएगा, कीप योर किड्स अवे, क्योंकि ड्राई आइस बहुत ही डेंजरस है, बच्चों को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस चीज को। आप जब भी अपनी आइसक्रीम को ड्राई आइस यूज करके डिलीवर करेंगे तो आपकी आइसक्रीम तकरीबन 2 घंटे तक बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ आइसक्रीम इसमें प्लेस करके दिखा देती हूँ। ये जो पान आइसक्रीम है फ्रेंड्स, सॉरी, हमारे घर पे कोई इंतजार नहीं कर पाया ये आइसक्रीम खाने के लिए, इसके लिए इसमें से एक स्लाइस गायब है, हम सब खा गए, तो मैं इसे प्लेस करके दिखा देती हूँ। देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये रह जाता है और इस तरीके से ढक्कन बंद कर देना है और आप इसे डिलीवर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आइसक्रीम को रैप करना है और नीचे ढेर सारा ड्राई आइस डालना है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपका आइसक्रीम कितनी देर तक नहीं पिघलेगा। यदि आप
2 केजीज ड्राई आइस इसमें डालेंगे तो 2 घंटे तक आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं मेल्ट होगी। पर अगर आप कम क्वांटिटी यूज करते हैं ड्राई आइस की तो गर्मी के अनुसार और ड्राई आइस के अनुसार आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो सकती है। अगर आप बहुत ही गर्म जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ड्राई आइस भी जल्दी मेल्ट होगा। हम बॉम्बे में रह रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बॉम्बे के अनुसार आपको बता रही हूँ। अगर आप 2 केजीज ड्राई आइस यूज करेंगे तो आपकी आइसक्रीम एटलीस्ट 2 घंटे तक तो मेल्ट नहीं होगी। और अगर आप कोई ठंडी जगह पे रह रहे हैं जैसे मनाली, शिमला या मे बी उससे थोड़ी और कम ठंडी जगह, बट कोई ठंडी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है तो आपको इतना ड्राई आइस यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम ड्राई आइस में भी आपका काम हो जाएगा, आप डिलीवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा काम है आपको सिखाना, इसके लिए मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दिए। डिलीवरी के साथ भी आपके डिलीवर कैसे कर सकते हो ये आइसक्रीम को, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। पर यदि आप अपने घर पे बनाना चाहते हो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए तो ये सब आपके लिए नहीं है। आपको केवल आइसक्रीम बना के कट करके अपने फैमिली मेंबर्स को सर्व करना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी तरीके सब बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये आइसक्रीम अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएं तो सभी को बहुत पसंद आए, सब खूब एंजॉय करके दिल से खाए और आपकी तारीफ करें। और अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हो तो आपको ढेर सारे ऑर्डर्स मिले और आपकी खूब बरकत हो। मेरे और मम्मा की तरफ से आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन राइट टू अस एट manishabharani@gmail.com। आपके क्वेरीज का उत्तर जल्द से जल्द हमारी टीम दे देगी। गुड लक।